Hi friend, this is Asim. You may call me Prince from Law Faculty DU. Today I would like to discuss a landmark case of constitutional law which is mentioned in our case mat. Daryao versus State of UP, ये 1961 का केस है और इस केस में doctrine of res judicata involved है. अब देखते हैं doctrine of res judicata Indian constitution के परिप्रेक्ष्य में क्या कहता है. Doctrine of res judicata ये कहता है कि अगर कोई भी writ petition जो article 226 के तहत high court में file किया गया है और high court ने अगर उस पर अपना decision सुना दिया है तो आप सेम सब्जेक्ट मैटर को लेकर के सेम पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत नया पटिशन फाइल नहीं कर सकती है. हाँ, अगर पार्टी को लगे कि हाई कोर्ट का जजमेंट उसके फेवर में नहीं है या फिर उससे वो संतुष्ट नहीं है तो अपील कर सकती है सेम सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, लेकिन फ्रेश पटिशन सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत फाइल नहीं कर सकती है. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये कि अगर कोई भी पार्टी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट पटिशन फाइल करती है, सुप्रीम कोर्ट उस रिट पटिशन को इंटरटेन करते हुए अपना जजमेंट सुना देता है तो फिर सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर को लेकर के फिर से आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में नया रिट पटिशन फाइल नहीं कर सकती है क्योंकि एक बार सुना जा चुका है. अब आप नया फिर से सेम सब्जेक्ट मैटर को लेकर के आप रिट पटिशन फाइल नहीं कर सकते हैं. हाँ, आप 137 के तहत रिव्यू ऑफ जजमेंट ले सकते हैं लेकिन नया रिट पटिशन सेम सब्जेक्ट मैटर को लेकर के सेम पार्टी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती है आर्टिकल 32 के तहत. अब आते हैं इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट पे. इस केस के फैक्ट ये हैं कि जो पटिशनर होता है वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत 6 नया रिट पटिशन फाइल करता है जिसका अपोज रिस्पोंडेंट करता है और रिस्पोंडेंट कहता है सुप्रीम कोर्ट में कि सेम सब्जेक्ट मैटर को लेकर के इसी पार्टी ने आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट पटिशन फाइल किया था और हाई कोर्ट ने उसको इंटरटेन करते हुए रिजेक्ट कर दिया था. तो अब सेम सब्जेक्ट मैटर को लेकर के आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में पटिशनर नहीं जा सकता है क्योंकि ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा के अगेंस्ट है. तो ये होता है कंटेंशन रिस्पोंडेंट का. तो अब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात को ऑब्जर्व करती है और कहती है कि जो रिस्पोंडेंट का कंटेंशन है वो बिल्कुल सही है क्योंकि जो पटिशनर था वो 226 के तहत रिट पटिशन फाइल किया था लेकिन हाई कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया यानी कि रिजेक्ट कर दिया. तो अब सेम सब्जेक्ट मैटर को लेकर के नया रिट पटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत फाइल नहीं हो सकता है. हाँ, भले वो हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में अपील कर सकते थे लेकिन नया रिट पटिशन फाइल नहीं होगा. लेकिन साथ साथ इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ जो गाइडलाइंस हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा से रिलेटेड वो फॉर्मुलेट करती है जिसका पहला गाइडलाइन ये है कि अगर कोई भी रिट पटिशन आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में इंटरटेन किया गया है और हाई कोर्ट ने उस रिट पटिशन को अगर डिसमिस कर दिया है तो वो जो डिसीजन है वो बाइंडिंग टू ऑल होगा और कंटिन्यू तब तक रहेगा जब तक कि अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उस डिसीजन को रिवर्स ना कर दिया जाए. दूसरा गाइडलाइन ये होता है कि कोई भी पार्टी हाई कोर्ट के जजमेंट को इग्नोर नहीं कर सकती है और आर्टिकल 32 के तहत सेम सब्जेक्ट मैटर पर नया रिट पटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं कर सकती है. तीसरा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का ये होता है कि अगर हाई कोर्ट ने जो आर्टिकल 226 के तहत अगर रिट पटिशन जो हाई कोर्ट में फाइल किया गया है और हाई कोर्ट ने उसको लैशेज के कारण डिसमिस कर दिया, लैशेज यानी कि देरी से रिट पटिशन फाइल करने के कारण अगर उसने डिसमिस कर दिया है या फिर हाई कोर्ट को ये लगता है कि रिट पटिशन के माध्यम से इस केस को सुनने से बेहतर है कि इसके लिए एक अल्टरनेट रिमेडी भी है तो उस रिमेडी को अप्रोच किया जाए. रिट पटिशन के माध्यम से आप यहाँ नहीं आइए बल्कि किसी और रिमेडी आपके पास जो अवेलेबल है, लीगल राइट जो अवेलेबल है उसके माध्यम से आप आइए. तो अगर इस ग्राउंड पे यानी कि अल्टरनेट रिमेडी होने के ग्राउंड पे अगर हाई कोर्ट ने रिट पटिशन को खारिज कर दिया है तो इस तरह का जो डिसमिसल है वो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा के अंतर्गत नहीं आएगा यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के रिट पटिशन को लेकिन इस तरह के नए रिट पटिशन को इंटरटेन किया जाएगा. यानी सिंपल समझिए कि अगर हाई कोर्ट ने लैशेज या फिर अल्टरनेट रिमेडी के ग्राउंड पे अगर रिट पटिशन को डिसमिस किया है तो सुप्रीम कोर्ट में सेम सब्जेक्ट मैटर को लेकर के आर्टिकल 32 के तहत नया रिट पटिशन फाइल किया जा सकता है. और सुप्रीम कोर्ट लास्ट ये कहती है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है वो हैबियस कॉर्पस जो आर्टिकल 32 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण पर लागू नहीं होगा. यानी कि रेस जुडिकाटा जो है वो हैबियस कॉर्पस पर लागू नहीं होगा. मतलब समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर कोई भी आदमी आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाता है हैबियस कॉर्पस पिटीशन को लेकर के
और हाई कोर्ट उसको डिसमिस कर देती है, तो भी वो आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत सेम सब्जेक्ट मैटर यानी कि हैबियस कॉर्पस वाले सब्जेक्ट मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरटेन करेगी, यानी कि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो यही है इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट। आई होप कि आपको ये समझ में आया। थैंक यू।